आप सभी की खिदमत में सलाम है अकीदत और सलाम मोहब्बत के साथ। मैं गलबर शहद रिजवी, आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं लाइव अजरदारी जलालपुर पे। मुझसे कहा गया कि मैं एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके भेजूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए, लाइव अजरदारी जलालपुर का, और उन तमाम लोगों का, उन तमाम जवानों का जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए थे। आपकी मोहब्बतों का एक बार फिर शुक्रिया। और आने वाले कल के रोजे के बाद परसों आने वाली ईद का एडवांस में आपको शुक्रिया, मुबारकबाद और शुक्रिया आपकी तमाम तर मोहब्बतों का। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फासले का ख्याल रखें ताकि ज़िंदगी से मौत का फासला बना रहे, चूँकि आपका मिलना ज़िंदगी का मौत से मिलने के बराबर है। मेरे इन जुमलों को फिर से एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, मैं दो बार कहूँगा तो सही नहीं है। फासले का ख्याल रखिएगा, अगर आपने फासला बना के रखा तो आप यकीन जानिए कोई भी आपके मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता खुदा के अलावा। लेकिन अगर आपने फासले को ख़त्म कर दिया और आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया जो आपके देश ने आपको इस बीमारी से बचने के लिए बनाया है, तो फिर आपका कोई भी फैसला कर लेगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि दूरी बनाए रखें जिस्मों की, और नज़दीकी बनाए रखें दिलों की, ख्यालों की और मदद की। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप एक अकेले हिंदुस्तानी हैं, हिसाब कीजिए ईद में और ईद के बाद कि आपने कितने हिंदुस्तानियों का पेट भरा, कितने हिंदुस्तानियों को पानी पिलाया, कितने हिंदुस्तानियों की मदद की। इसलिए कि जिंदों की बस्ती में वो मुर्दा है जो किसी के काम नहीं आता, क्योंकि हम वो कौम हैं जहां लोग इस दुनिया से जाके कब्र में सो भी जाएं तो हम उन्हें इतना ताकतवर समझते हैं कि उनके कब्र के वास्ते से भी अगर हम खुदा से दुआ करें तो हमारी दुआएँ कबूल होती हैं। मेरी आपसे फिर गुजारिश है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ख्याल रखिए अपना, दूसरों का खुद ब खुद ख्याल हो जाएगा, और दूसरों का ख्याल कीजिए ताकि देश का खुद ब खुद ख्याल हो जाए। आप सभी की खिदमत में एक बार सलाम, शुक्रिया।